हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको ज़रा सी भी देरी ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो ऑफलाइन म्यूज़िक प्लेयर है एंड्रॉयड वालों के लिए। तो दोस्तों, मेरे जो भी दोस्त एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनको म्यूज़िक प्लेयर की ज़रूरत पड़ती होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको वही म्यूज़िक प्लेयर बताऊंगा जो काफ़ी आपको पसंद आएगा। कैसे आपको यूज़ करना है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, इस चैनल मतलब इस ऐप की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ करना वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। सबसे पहले इस सोलो म्यूज़िक प्लेयर जिसका नाम है ये, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इसे खोल के बताता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप जैसे इसे खोलेंगे, ये परमिशन मांगे आपसे, आप इसे परमिशन दे दीजिएगा। फिर इस तरीके का इंटरफेस कुछ खुल के आएगा और यहाँ पे आपके सारे सॉन्ग्स, आपके जितनी भी सॉन्ग्स हैं आपकी गैलरी में, वो आपको शो हो जाएंगे। जितने भी आपके एसडी कार्ड में, आइदर इंटरनल स्टोरेज में जितने भी सॉन्ग्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आप कोई भी रैंडम सॉन्ग सुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट अपर कॉर्नर पे एक हैमबर्गर मेन्यू, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मेन्यूज आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, होम का, ऑल सॉन्ग्स का, एल्बम का, आर्टिस्ट का, जिमिस का, फोल्डर्स, प्लेलिस्ट। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपको जैसे ही कुछ भी सॉन्ग सुनना है तो यानी कि सबसे पहले तो होम का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे अभी हमने आपको बताई थी होम पे सबसे पहले आपकी मेन्यू रीडायरेक्ट होगा, यानी कि सबसे पहले स्क्रीन आपकी होम पे आगे खुलेगी। अगर आपको सारे सॉन्ग चाहिए तो ऑल सॉन्ग्स में जाके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सारे सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। मेरी गैलरी में अभी कोई सॉन्ग नहीं पड़ा है इसलिए ये कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों सफल ऑल का, इनको शफल कर सकते हैं आप आपस में। ओके दोस्तों, उसके बाद ऐड टू क्यू, क्यू में भी लगा सकते हैं अगर आप सुनना चाहते हैं कोई गाना, और रैंडमली कोई दूसरा गाना आ जाता है लेकिन आप दूसरा गाना सुनना चाहते हैं कोई और, तो आप क्यू में लगा सकते हैं उन्हें। ओके दोस्तों, उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है एल्बम का। यहाँ पे एल्बम क्रिएट, एल्बम के हिसाब से सॉन्ग आ जाते हैं, लाइक एक ही मूवी के अगर दो तीन गाने हैं तो वो आपस में कवर अप हो जाएंगे और एक ही एल्बम में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्ट के हिसाब से, लाइक दोस्तों अरिजीत सिंह का कोई गाना है तो अरिजीत सिंह का अलग कलेक्शन बन जाएगा और जितने भी सिंगर्स हैं उनका अलग बन जाएगा। उसी तरीके से जनरेस का होता है और उसी तरीके से फोल्डर्स का होता है। फोल्डर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपके सैड सॉन्ग का अलग कर सकते हैं, रोमांटिक सॉन्ग का अलग कर सकते हैं, आइटम सॉन्ग्स का अलग कर सकते हैं, लाइक दिस। ओके दोस्तों, प्लेलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अगर आप क्रिएट करना चाहें तो। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है ये, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, सेटिंग में जाके सेटिंग में आप थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं अगर आप जो कुछ करना चाहें तो। आप जैसे सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग छेड़छाड़ कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी कम MB में मिल रही है ये आपको, तो आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी हो दोस्तों ये ऐप तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस ऐप की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।